हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के मेरे वीडियो में मैंने कुछ फिक्स प्रेपोजिशन लिया हुआ है, जो प्रेपोजिशन कुछ वर्डों और वर्बों के साथ फिक्स्ड होती हैं, उन प्रेपोजिशन को इस वीडियो में मैंने लिया हुआ है। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसे अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे प्रेपोजिशन के सही यूज़ सीखने को मिलेंगे। जनरली होता क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं जो प्रेपोजिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन वो फिक्स्ड वर्ड के साथ होती हैं, इसलिए उन्हें फिक्स्ड ही हमें मालूम करना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, लिखा है एग्री विथ होता है, एग्री के साथ विथ लगा होता है और एग्री टू भी होता है। विथ जब होता है, जब हम किसी पर्सन से एग्री होने की बात करते हैं तो वहाँ एग्री विथ होता है। जब हम किसी प्रपोजल से, किसी प्रपोजल के साथ अपन एग्री की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्री टू लगता है। जब व्यक्ति की पर्सन की बात होती है तो विथ लगता है। ऐसे एडिक्टेड टू भी होता है, किसी चीज़ का आदि का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे एडिक्ट बोलते हैं, तो एडिक्टेड टू वो बना हुआ है। फॉन्ड ऑफ, ऐसी फॉन्ड ऑफ है, फॉन्ड के बाद ऑफ आएगी। फिर प्रेफर के बाद टू आएगा। केयर के बाद ऑफ आता है। एंग्री के बाद विथ आता है। डाई के बाद ऑफ आता है। प्राउड के बाद ऑफ आता है। इल के बाद विथ आएगा। क्वरल के बाद विथ आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ विथ है वहाँ वहाँ पर्सन होगा। टायर्ड के बाद ऑफ आएगा, सेटिस्फाइड के बाद विथ आएगा और प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आएगा। कुछ वर्ब हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, जब वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो गाइज, आज हम उन प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं जो वर्ड के साथ फिक्स हैं। उसमें पहली है एग्री विथ। हम इसको एज ए सेंटेंस अगर फॉर्म करना चाहें इन प्रेपोजिशन को, तो हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही एग्रीड विथ मी। ही एग्रीड विथ मी, वह मुझसे राजी हो गया। ऑन दिस पॉइंट ही एग्रीड विथ मी ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर वह मुझसे एग्री हो गया। एग्री टू की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, She is agreeing बोलेंगे तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing में इसका यूज़ नहीं होता है। इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस में ना बोलकर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ इसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी एग्रीज टू दिस प्रपोजल, वह इस प्रपोजल से राजी हो जाती है। सी एग्रीज टू दिस प्रपोजल। ऐसी एडिक्टेड टू एज एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज एडिक्टेड टू स्विमिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्विमिंग, वह तैरने का आदि है। दरअसल ये नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है, एडिक्ट का, किसी चीज़ का एकदम आदि हो जाना। तो सी इज़ एडिक्टेड टू स्विमिंग, वह तैरने का आदि है। इसमें टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, फॉर एग्जांपल, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। तो फॉन्ड ऑफ के बाद हमें क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अगर किसी चीज़ के शौकीन है तो फॉन्ड के बाद, आपको ऑफ के बाद आईएनजी नहीं लगाना है। आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल, मैं मोबाइल का शौकीन हूँ, तो इसमें बिल्कुल आपको आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रेफर के बाद हमेशा टू होता है। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिक पसंद करना, अधिक चाहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, You prefer tea to coffee. You prefer tea to coffee. आप कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं, तो prefer के बाद हमेशा टू का यूज़ होगा। Take care of, मतलब इसकी मीनिंग होती है किसी की देखभाल करना। For example, he takes care of his पेरेंट्स।
वह अपने माँ बाप की देखभाल करता है, वह अपने माता पिता की देखभाल करता है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। एंग्री विथ, एंग्री विथ यानी नाराज होना। फॉर एग्जाम्पल सी इज एंग्री विथ मी, सी इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। तो एंग्री विथ और विथ के बाद मी का यूज हुआ है, मतलब विथ के बाद कोई वस्तु नहीं आएगी, राइट, कोई थिंग्स नहीं होगा। डाई, डाई ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। डाई के बाद, जब डाई ऑफ के बाद हम बात करते हैं किसी बीमारी की, तो हमेशा हमें आपको ऑफ यूज़ करना है, और किसी और चीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरा। ही डाइड ऑफ फीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ बहुत ही फेमस है, मतलब किसी पर घमंड होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर घमंड है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर घमंड है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसी इल विथ है, इल एक बीमारी है और विथ इसके साथ लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि इज इल विथ फीवर, रवि इज इल विथ फीवर, रवि फीवर से बीमार है, फीवर से पीड़ित, रवि इज इल विथ फीवर। ऐसी फॉर एग्जाम्पल क्वारल है, क्वारल के साथ भी हम विथ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज क्वारलिंग विथ मी, वह मुझसे लड़ रही है, वह मुझसे झगड़ा कर रही है, सी इज क्वारलिंग विथ मी। टायर्ड, टायर्ड भी एक एज एडजेक्टिव यूज होता है थकने के लिए, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाते हुए थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने से थक गया हूँ। सेटिस्फाइड विथ, कोई किसी से संतुष्ट होता है तो उसे सेटिस्फाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। ऐसी प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, जब हम किसी चीज़ से किसी को रोकते हैं। जैसे यू डिड नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, आपने वहाँ जाने से मुझे नहीं रोका। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस, उसने मुझे यह करने से रोक दिया। तो इस तरह से गाइस क्या करते हैं, इन वर्डों के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, इनका फिक्स प्रपोजिशन को आपको बार बार इस वीडियो को देखना है और जानना है किसको कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।